दोस्तों निफ्टी और सिंथेटिक्स को तो आप जानते ही होंगे और उसका नाम तो सुना ही होगा। क्यों निफ्टी और सिंथेटिक्स को ही हम पूरे बाजार का मापदंड मान लेते हैं? मतलब कि अगर बाजार को हमें एनालिसिस करना है तो हमें निफ्टी और सिंथेटिक्स को ही एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं कि बाजार ऊपर गया है या नीचे गया है। आप खबरों में सुनते होंगे, आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेडर है तो निफ्टी अगर 50 पॉइंट गिर गया तो हम ये मानते हैं निफ्टी गिर गया, पूरा मार्केट गिर चुका है। यानी उस 50 निफ्टी 50 के और सिंथेटिक को ही हम बाजार का प्रारूप मान लेते हैं कि बाजार किस तरह से निर्धारित कर रहा है अपनी चाल को, कि निफ्टी और सिंथेटिक से हम पता लगाते हैं। तो चलिए आज जानेंगे, आज की हमारी वीडियो इसी पे है, निफ्टी और सिंथेटिक में। लेकिन ये वीडियो सिर्फ निफ्टी के बारे में है, निफ्टी 50 के बारे में है। तो आज हम सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में जानेंगे और सिंथेटिक के बारे में अगली वीडियो में हम समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, साथ में अपना सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो में आप लोग को कुछ हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर करते रहिए। दोस्तों निफ्टी 50 के बारे में हम सब लोग जानते हैं, अगर हम ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, सब लोग हम निफ्टी 50 के बारे में जानते हैं। लेकिन निफ्टी 50 से ही हम पूरे बाजार का मापदंड तय करते हैं। देखिए निफ्टी में 1800 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड है, लेकिन हम उस 50 स्टॉक को ही क्यों निफ्टी का मापदंड मान लेते हैं, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों देखिए निफ्टी और सिंथेटिक्स हमारे दो मेन इंडेक्स है, हमारे इंडिया के दो मेन इंडेक्सेस हैं निफ्टी और सिंथेटिक। इसके द्वारा ही हम पता लगाते हैं कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यानी दूसरे देश के लोग भी इसी से पता लगाते हैं कि हाँ इंडियन मार्केट ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। अलग अलग देश की अलग अलग इंडेक्सेस है, जैसे अमेरिका की डाउ जोन्स, नैसडैक, S&P है, हांगकांग का है, चाइना का शंघाई है, जापान का निकेई है, और अपना जर्मनी का कैक है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग इंडेक्सेस हैं, उसी को मतलब उस मेन इंडेक्स को देखकर ही हम उस देश के शेयर बाजार की चाल को निर्धारित करते हैं। यानी हम समझते हैं कि शेयर बाजार ऊपर गया है या नीचे गया। तो हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, यानी निफ्टी और सिंथेटिक। तो निफ्टी 50 के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो निफ्टी 50 में देखिए, निफ्टी 50 अलग अलग कंपनियों का एक ग्रुप है। यानी निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती है, नाम के हिसाब से लग रहा 50 है, लेकिन इस समय उसमें 51 कंपनियां इंक्लूड है निफ्टी 50 में। तो यानी निफ्टी 50 ये 51 कंपनियों का एक समूह है, जो निफ्टी 50 को हमें निफ्टी 50 बोलते हैं हमसे। तो ये 51 कंपनियों का समूह है, इसमें वो कंपनियां शामिल की जाती हैं जो वेल इस्टेब्लिश हो, यानी कंटिन्यू स्टॉक अच्छा चल रहा हो, रिटर्न इसके अच्छे हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी हो, और प्लस इनके कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही हो कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उन कंपनियों को निफ्टी 50 में शामिल किया जाता है। निफ्टी 50 में शामिल करने के और भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उसकी ग्रोथ को देखना, उसके प्रॉफिट और लॉस को ट्रैक करते हैं, उसमें जो शामिल करने वाले कर्मचारी हैं प्रॉफिट और लॉस को ट्रैक करेंगे, कंपनी के कैसा कारोबार चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ों, यानी कंपनी में कुछ भी किसी भी तरह की कंपनी में कारोबार पे या मैनेजमेंट के ऊपर कोई सवालिया निशान है तो उस कंपनियों को वो निफ्टी 50 में जल्दी नहीं शामिल करते हैं, उसे बाहर कर देते हैं। तो निफ्टी 50 वेल एस्टेब्लिश यानी बैलेंस कंपनी होती है, जो बहुत अच्छी तरह से अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट क्लियर होता है, उसका क्लियर है, साफ मैनेजमेंट होता है, कंपनियों में कोई इधर उधर की फ्लोटिंग नहीं होती है। तो कंपनी वेल एस्टेब्लिश होती है और अपने अपने क्षेत्र की, निफ्टी 50 में जो भी कंपनियां शामिल है वो अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। देखिए निफ्टी 50 में हमारे देश की जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो कंपनियां अपने मार्केट में, अपने फील्ड में सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को निफ्टी 50 में शामिल किया जाता है। वो कंपनियां देश की तरक्की में बहुत आगे लेके चलती हैं देश को, देश के शेयर मार्केट को, क्योंकि वो कंपनियां वेल एस्टेब्लिश हैं और वो कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर ले, वो सरकारी कंपनियां हो या निजी क्षेत्र की कंपनियां हो या हम, तो ये कंपनियां जो होती हैं वो अपने क्षेत्र की बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, यानी लगभग लगभग सबसे बड़ी कंपनियों को ही इसमें शामिल किया जाता है, उस कंपनियों को शामिल किया जाता है जो अपने क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उस कंपनियों को हम निफ्टी 50 में, हमारे जो निफ्टी 50 के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो लोग इसको शामिल करते हैं और समय समय पर इसको चेंज भी करते रहते हैं। अगर कोई स्टॉक उसमें उन्होंने शामिल किया और वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो स्टॉक को वो निकाल के उसके अलग जो निफ्टी का इंडेक्स होता है निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो निफ्टी के नेक्स्ट 50 बनने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं, वो कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही हैं, उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट और लॉस काफ़ी
प्रॉफिट उसका काफी अच्छा चल रहा है, तो उन कंपनियों को नेक्स्ट 50 में डालते हैं, उस कंपनियों में से वो चेंज करते रहते हैं। तो इसमें और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं, और हम देखते हैं निफ्टी 50 में कैसी कैसी कंपनियां, कैसे कैसे उनके क्या फ्लोट है निफ्टी 50 में। देखिए सीमेंट की कंपनियां हैं, बैंकिंग फंड या बैंकिंग है, फार्मा है, अपना टेलीकॉम है, आईटी है, ऑटोमोबाइल है, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं। तो अलग अलग फील्ड की दिग्गज कंपनियों को शामिल किया जाता है निफ्टी 50 में। तो चलिए हमें इसको आपको जरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि निफ्टी 50 में कैसी कंपनियां हैं, उनकी कैसी ग्रोथ है, और कैसे उनके जो वेटेज है उनका वो कैसा है निफ्टी 50 में। ये दोस्तों निफ्टी 50 का मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। निफ्टी 50 में देखिए 51 स्टॉक्स हैं। इसका लॉन्चिंग डेट है 22 अप्रैल 1996 का, बेस डेट है 3 नवंबर 1995 का, और वेस वैल्यू जो है 1000 है, रियल टाइम है सेमी एनुअली। देखिए इसमें आप देखिए सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किस सेक्टर में कितना पैसा लगा के रखा है निफ्टी 50 में। सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है फाइनेंशियल सेक्टर का, 35% वेटेज है फाइनेंशियल सेक्टर का। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यस बैंक है, तो ये सारे इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और हाँ ये कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में। एनर्जी में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, BPCL ये एनर्जी सेक्टर की, IOC अभी नया शामिल हुआ है। IT सेक्टर का देखिए 11% वेटेज है, 11 से ज़्यादा यानी लगभग 12% का वेटेज है, जिसमें TCS इन्फोसिस ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उसके बाद CLTech और ProTech महिंद्रा भी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग लगभग 11% है, जिसमें मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और टाटा मोटर है। तो ऑटो सेक्टर की ये कंपनियां हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की 9% का लगभग लगभग 10% का वेटेज है कंज्यूमर गुड्स कंपनियों का। यामा सेक्टर में 4.22 यानी 4.22 22% का रिटर्न, 4.22 का वेटेज फार्मा कंपनियां रखती हैं अपना निफ्टी 50 में वेटेज। मेटल कंपनियां है 4.06 यानी टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता ये कंपनियां हो गई। कंस्ट्रक्शन की कंज्यूमर ड्यूरेबल वो कंपनियां हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए 9% जैसे ITC, HUL ये कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां हैं, कंज्यूमर गुड्स 3.96, टेलीकॉम की 2.19, टेलीकॉम में तो अभी शायद भारती ही है, भारती और भारती इंफ्राटेल है। सीमेंट सेक्टर की कंपनियां जैसे अल्ट्राटेक, ACC और अंबुजा, सर्विस सेक्टर सीमेंट है। अब देखिए किस कंपनी का कितना वेटेज है, ये तो अब जब देखते हैं किस कंपनियों का कितना वेटेज है। टॉप वेटेज कंपनियों का यहाँ पे है, जैसे HDFC बैंक ये मैंने निकाला है 30 तारीख को, ये जो डेट है मैंने 31 जुलाई को निकाला है ये NSE की साइट से। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखने वाली कंपनी है वो है HDFC बैंक, लगभग लगभग 9.5% का वेटेज HDFC बैंक का है। HDFC का देखिए 7.5% का है, रिलायंस इंडस्ट्री 7%, ITC लगभग लगभग 6.5% का वेटेज रखता है, वहीं इन्फोसिस देखिए 5.5% का वेटेज, ICICI बैंक 5%, लार्सन एंड टुब्रो लगभग लगभग 4.25% का वेटेज है इसका, टाटा कंसल्ट TCS का देखिए 3.5% से ऊपर, कोटक महिंद्रा लगभग 3% से ऊपर का है, और स्टेट बैंक है 3% से ऊपर, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी ये मेन कंपनियां हैं। लेकिन अब इन कंपनियों को मिला के ही देखिए तो इन कंपनियों का ही वेटेज 55% है। अब ये मान के चलिए कि 10 कंपनियों का वेटेज यहाँ पे लगभग लगभग 55% के आसपास, 50% के ऊपर है इस 10 कंपनियों का वेटेज, यानी 40 कंपनियां 50%, यानी अगर ये 10 कंपनियां 1% गिर जाए और वो 40 कंपनियां अगर 1% ऊपर जाए तो भी शायद मार्केट नीचे ही रहेगा, यानी निफ्टी नीचे की तरफ ही दिशा देगा, क्योंकि इनका वेटेज लगभग 50% से ऊपर का है और उनका वेटेज 45% है, वो भी वो 40-40 कंपनियां मिलकर 45% का वेटेज बना रही, जबकि यहाँ पे ये 10 कंपनियां मिलके ही 45% से 50% के ऊपर का वेटेज है इनका। तो इस 10 कंपनियों को ये 10 कंपनियों का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो इसलिए जिस तरफ मूव करेंगे ज्यादातर इन कंपनियों में से जिस तरफ के ज्यादा मूव करेंगे निफ्टी उसी तरफ में जाने की कोशिश करता है। तो अब देख लीजिए निफ्टी में इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख लीजिए निफ्टी की, आप सब लोग को पता है देखिए निफ्टी अभी 10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के अलग अलग इंडेक्सेस हैं, अलग अलग सेक्टोरियल इंडेक्सेस हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, आईटी है, PSU बैंक है, FMCG है, प्राइवेट बैंक है, मेटल है, फाइनेंस सर्विस, अलग अलग इंडेक्सेस बनाए हुए हैं निफ्टी के अंदर में।
तो निफ्टी की ये अलग अलग इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 से ही स्टॉक लिए जाते हैं निफ्टी 50 के अंदर, यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक अच्छे प्रदर्शन करते हैं और निफ्टी 50 में जो स्टॉक खराब प्रदर्शन करते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में से उस स्टॉक में से निफ्टी 50 में लिया जाता है। उसी तरह से निफ्टी 100, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को मिलाकर निफ्टी 100 बनाया जाता है। तो ये हो गया निफ्टी 100। इस तरह से अब बहुत सारी कंपनियां निकली, जैसे पिछले लास्ट, अब मैं कुछ सीजन के आपको बता दूं, तो देखिए 2016 में केन इंडिया, पीएनबी और वेदांता को बाहर किया गया था, उसके अंदर लाया गया था अरविंदो फार्मा, भारतीय इंफ्राटेल, आईस्टर मोटर और टाटा मोटर डीबीआर को। उसी तरह से 2017 में भेल को बाहर किया गया, आइडिया को बाहर किया गया, भेल, आइडिया और ये देखिए ग्रासिम को बाहर किया गया और उसकी जगह पे क्या लाया गया, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और वेदांता को वापस फिर से, वेदांता ने अच्छा प्रदर्शन किया तो वेदांता को वापस फिर से निफ्टी में, निफ्टी 50 में शामिल कर लिया गया। तो ये है इस तरह से निफ्टी 50 के जो कर्मचारी होते हैं वो समय समय पे इसको चेंज करते रहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके हिसाब से इसको चेंज करते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी निफ्टी 50 की वीडियो, निफ्टी 50 कैसे काम करता है, निफ्टी 50 में कैसे स्टॉक डाले जाते हैं, कैसे निकलते हैं स्टॉक्स। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। मैं टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बनाते रहता हूँ तो इस वीडियो को देखने के लिए, म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाता हूँ उन सारी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे सामने वाले घंटे वाले बटन यानी बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं भी जो भी वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।